एंड हो सकता है सही तरीके से अभी तक भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एंड आपके मन में ना एक बदले की इच्छा है। ये चीज अनबिलेबल होती है, इनफैक्ट ब्रेकअप से भी ज्यादा जो पेन होता है ना वो यही होता है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड अब आप अपने एक्स को तड़पाना चाहते हैं, उसको रुलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको देखकर पछताए कि उसने आपको छोड़ दिया और आपके लिए आंसू बहाए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए मेरे डिटॉक्स फैमिली, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप बहुत रोए होंगे, बहुत पछताए होंगे, एंड आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल रहा होगा। एंड हो सकता है सही तरीके से अभी तक भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एंड आपके मन में ना एक बदले की इच्छा है, एंड बदले से ज्यादा ये इच्छा है कि जिसने आपको रुलाया है ना वो आपके लिए रोए, आपको छोड़ दिया इसलिए पछताए, उसकी आंखों में ना आंसू देखकर ही आपके तड़पते दिल को सुकून आएगा। वो दिन आप देखना चाहते हैं जब उसकी आंख में आंसू हो आपके लिए, एंड ये एक लौती चीज है जो आपको चाहिए अपने आप से और इस भगवान से, इस कायनात से। अगर सच में ऐसा है ना, तो देखिए इच्छाएं इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होती है, एंड वही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता ना। अगर हम बैठे हों और सोचें कि खाना मेरे मुंह में चला जाए और मेरा पेट भर जाए, इससे क्या होगा, वो आपको खाना पड़ेगा, बाइट करके चबाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो पेट में पहुंचेगा, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए अगर आप कुछ रिजल्ट चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब बात है कि मेहनत क्या करनी है। देखिए आपको मेहनत करनी है अपने लिए, अपने ऊपर, अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए। एक चीज को आप समझ लेना, हम सब पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। हम जिंदगी में कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाए ना, फिर भी बहुत कुछ उस ऐसी ऊंचाइयां रह जाती हैं जो हम छू सकते हैं। तो आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आपका लेवल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने लेवल को अपने आप से कंपेयर करके उसको अपने से बड़ा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी इस जगह पर है ना, चाहे बात जॉब की हो, चाहे बात लुक्स की हो, तो अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। गुंजाइश होगी आपके अंदर, बहुत कमियां होंगी, सब में होती है। ये करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो तड़पे, ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं। ब्रेकअप के बाद आप दोनों सेम तो नहीं रहोगे ना, सबकी जिंदगी बदलती है, उसकी ही बदलेगी, आपकी ही बदलेगी। अगर इस ब्रेकअप के बाद ऐसा हुआ कि उस इंसान ने अपने ऊपर मेहनत की, उस लड़की ने अपने आप को थोड़ा काबिल बनाकर थोड़ा एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, एक जॉब हासिल कर ली, या जॉब में प्रोग्रेस हो गया, थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी, थोड़ा सा उसका नाम हो गया, तो उसको खोने के लिए ना आप रोगे, वो नहीं रोएगी। आप फिर तड़पोगे कि क्या निकल गया मेरे हाथ से, आपकी आंखों में आंसू होंगे, फिर आपके लिए आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा आप उसको ऊंचाइयों छूते हुए देखोगे, उतना ज्यादा आप गड्ढे में जाओगे, उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि ये चीज झेलना बहुत मुश्किल होता है कि जिसने आपको छोड़ा वो आपसे बहुत आगे निकल गया। ये चीज अनबिलेबल होती है, इनफैक्ट ब्रेकअप से भी ज्यादा जो पेन होता है ना वो यही होता है कि आपको रिजेक्ट करने वाला आज कहीं पहुंच चुका है। ये दिन अपनी जिंदगी में कभी मत आने दें। इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप खुद को एक पोजीशन पर ले जाएं। एंड यही चीज उसके साथ में होने वाली है कि अगर आपने एक दो साल में अपने ऊपर मेहनत करके काबिल बन जाते हो, किसी मुकाम पर अपने आप को ले जाते हो, बिजनेस करना शुरू करते हो, एक जॉब ले लेते हो, आपका नाम हो जाता है, तो वो भी वैसे ही तड़पेगी आपके लिए, फिर वो पछताएगी क्या निकल गया मेरे हाथ से, इसको क्यों छोड़ दिया। और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी ना, उतना ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, उतना ही वो आपके लिए तड़पने लगेगी, उतना ज्यादा तड़पेगी, उससे फिर कुछ हो नहीं पाएगा जिंदगी में। उसके दिमाग पर आप हावी रहोगे,
कि उसके साथ हो क्या गया वो समझ नहीं पाएगी। यकीन मानिए ये एक लौती चीज है। आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपकी अचीवमेंट जिसको दिखाकर आप किसी को भी तड़पा सकते हो, किसी को भी अपना बना सकते हो। देखो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। आपने देखा है ना, जब आप कोई अचीवमेंट हासिल कर लो तो आपके दुनिया भर के रिश्तेदार निकल के आ जाते हैं, आपको प्यार करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, आपके आगे पीछे घूमने वालों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपसे जुड़ना चाहता है हर कोई, आपसे जुड़कर प्राउड महसूस करता है। आप किसी को कमा कर नहीं दे रहे हो, बट आपका नाम ही उनके लिए काफी है कि फलाना ना इंसान मुझे जानता है। ये चीज सबको चाहिए। तो वो तो आपकी एक्स है, वो नहीं जुड़ना चाहेगी, उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे कि यार क्या निकल गया मेरे हाथ से। वो उगता हुआ सूरज जो आज आसमान में है ना, वो कभी मेरा था, ये उसके अंदर आना ही आना है। एंड यहाँ पर ये भी समझ लेना कि ब्रेकअप के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि एक्स हमारे लिए रोए, हमारे लिए तड़पे, लेकिन ऐसा मुमकिन करना सबके बस की बात नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना कि सोच तो सब लोग लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, बट उसको हासिल करने की जो मेहनत है ना, वो सबके बस की नहीं है। जो वो मेहनत करने की काबिलियत रखता है, हिम्मत रखता है, वही वो पाता है जो वो चाहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप सिर्फ चाहते ही हैं या आप में सच में कुछ कर दिखाने का जुनून है। क्या आप में सच में उस ब्रेकअप की इतनी आग है, उस रिजेक्शन ने आपको इतना ज्यादा अंदर से भर दिया है कि उसको रुलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी मेहनत कर सकते हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके लिए वो क्या, उसके फरिश्ते भी रोएंगे। बस अपने ऊपर मेहनत में लग जाइए। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।